अगर फर्ज करो मेरा मेरा पहले निकाह हो चुका है और पहले निकाह से मेरी एक बेटी है ठीक है मेरी तलाक होती है मैं खुला लेती हूँ आगे मैं न्यू निकाह करती हूँ किसी और मर्द के साथ और जिसके साथ मैंने न्यू निकाह किया उसका पहले से एक बे बेटा है मसन एक और औ, एक और औरत से ठीक है उसका पहले बेटा है जिसका मेरे साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं है अब मेरी जो बेटी है पहले निकाह से और उसका जो बेटा है पहले निकाह से थीके? ठीक है उनका आपस में निकाह करना जायज है लेकिन अगर ठीक है जिसके साथ में मैंने न्यू निकाह किया है अगर मेरा बच्चा होता है ठीक है मेरा बेटा होता है उसके साथ ना ठीक है इकट्ठे हमारा होता है ठीक है तो फिर वो जो न्यू बच्चा है जो हमने इकट्ठे लिया था ठीक है वो मेरी बेटी का महरम है लेकिन जो उसका पहला बेटा था बेटा था पहले निकाह से वो मेरी बेटी का महरम नहीं है लेकिन एक और चीज़ है जो उसका बेटा है ना पहले निकाह से वो मेरा महरम होता ठीक है और जो मेरा शोहर होता दूसरे निकाह से वो मेरी बेटी का महरम होता लेकिन जो बच्चे आपस में वो महरम ना होते सिवा अगर जिसके साथ मैंने शादी की है ठीक है मेरा उसके साथ बच्चा हो तो फिर वो खूनी रिश्ता बन जाता है और वो मेरी बेटी का महरम हो जाता है कभी महरम खून की वजह से होते हैं कभी शादी की वजह से होते हैं क्योंकि जब औरत निकाह करती है जो उसका फादर इन लो है ठीक है जो उसका ससुर होता है वो उसका महरम हो जाता है लेकिन जो उसका ब्रदर इन लो है वो उसका महरम नहीं होता ठीक है और ऐसे सुतीली माँ महरम होती है ठीक है अपने सतीले बेटे की बेशक वो खूनी रिश्ता नहीं है सो आप प्लीज अपने बच्चों को सिखाएं कि महरम कौन है और कौन नहीं ताकि आपकी बेटी को भी हो कि बेटी को भी पता हो कि नाम से बेशक वो उसको भाई बोलेगी लेकिन असल में वो महरम नहीं होगा जो दूसरी शादी का बेटा होगा जो पहले निकाह से था लेकिन जो दूसरी शादी का निका है और उस उसके साथ अगर जो औरत है उसका न्यू बच्चा हो बेटा हो तो वो महरम होता है पहली बेटी का ठीक है